चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं हमारे वाइट सिल्क की चिक्स से। यहाँ पे मादी और एक एक वाइट वाली और देखा गया तो यहाँ पे इसके अंदर एक ये थोड़ी मादी थोड़ा फिरोशियस है उससे। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहबाज खान, आप देख रहे हैं शहबाज खान एफ एस सिक्स ब्लॉग। तो दोस्तों आज दूसरा दिन है, शाम का वक्त है, तो मैं आप लोगों से एक बात शेयर करने के लिए जल्दी कैमरा ऑन करके आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप कैसे हैं, आप खैरियत से? तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, करम है अल्लाह का, बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं हम। तो दोस्तों बात यह है कि खरगोशा दो के दो बच्चे दिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे दिए जब वीडियो शूट कर रहा हूँ मगर वीडियो अपलोड करना नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों जाके देखते हैं कौन सा वाला खरगोश कितने बच्चे दिया और वो कौन से कलर्स में है और कितने बच्चे दिया, बोलते सो पूरे डिटेल्स आप लोगों को इंशाल्लाह शेयर करता हूँ मैं। तो वीडियो में जाने से पहले अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और वीडियो एंड तक देखना। बहुत अच्छे क्यूट पपीस है और क्या बोलते खरगोश के बच्चे है। अगर खरीदना भी है इंशाल्लाह आपको होना है तो कमेंट करें, लोकेशन बताइए, मतलब तेलंगाना के अंदर है तो लोकेशन बताइए, इंशाल्लाह मैं ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो देखते रहे, कहीं नहीं जाना। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात शेयर करने का था, मैं जल्दी में था तो वीडियो में बोल नहीं सका, तो अभी बोलने का मन करा तो ये बात आप लोगों से फिर से शेयर कर रहा हूँ कि एक ख्याल आया मेरे को कि थोड़े लोग ऐसे भी है कि एक बिज़नेस के तौर में जाएंगे और बिज़नेस करेंगे और बिज़नेस माइंडेड थोड़े लोग रहते, तो उन लोगों को अगर कुछ ब्रीड्स वगैरह पालना है, कैट है, डॉग है, रैबिट्स है, चिक्स है, हेंस वगैरह, जो भी पोल्ट्री के हिसाब से मेरे पहचाने लोग हैं थोड़े पोल्ट्री लगा के चला रहे भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो देसी पोल्ट्री रहता इसमें, अपन के फार्म के मुर्गियाँ रहते। तो यहाँ पे खरगोशों की बात अगर लिए तो मेरे घर में जब ब्रीड हुआ, वो जब बच्चे दिए, अच्छी ब्रीडिंग हुई, मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर हो सका एक 10 खरगोशां लेके एक अच्छा मैं एक जगह में पोल्ट्री और फार्म डालने की सोच में हूँ मैं। तो अगर हो सका इंशाल्लाह वहाँ का भी आप लोगों को अच्छा सा ब्लॉग शूट करके बताऊँगा कि मतलब वहाँ क्या है, कैसा रहता, लोकेशन कैसे रहता और फार्म के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ है, बोलते मैं आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर करूँगा। और ये बात ये आप लोगों से बोलने का, शेयर करने की बात ये है कि भाई लोग अगर आप लोगों को ब्रीडिंग करना है रैबिट्स के साथ, हेंस के साथ कुछ पोल्ट्री वगैरह लगाने की सोच है, तो इंशाल्लाह आप लोग रैबिट्स का लगा सकते हैं फार्म, नहीं तो घर के अंदर ही आप लोग एक 10-15 तो पाल सकते हैं आसानी से। मेल्स कम रख लेके फीमेल्स अगर ज़्यादा रख लिए तो आप लोगों को ब्रीडिंग अच्छी तरीके से होती, तो आप लोग को बाहर शॉपों में जो एनिमल शॉप रहता ना वहाँ पे जाके आप होलसेल में भी सेल कर सकते हैं। तो घर बैठे एक साइड इनकम अगर करना है तो आप लोगों को फार्म के हिसाब से भी कर सकते हैं, तो कुछ मसला नहीं है। मगर इसमें भी कुछ अलग अलग किस्म के वायरस आते हैं और डिसीजेज भी आते हैं और आप लोग उसको मेंटेन करना बोले तो बहुत सारा पैसा, टाइम, बहुत सारा पहले थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना पड़ता, तो घर के अंदर कर लेना है तो कर ले सकते। मेरे को तो बहुत अच्छा दिखा इसलिए आप लोगों से शेयर करने का मन करा तो शेयर कर दिया। अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट है तो आप लोग पाल ले सकते, मगर अच्छी खासी फीडिंग दो, चारा अच्छा रहना, ग्रीन चारा। ये ज़्यादातर तो पैसे कुछ लगते नहीं यहाँ पे, तो आप लोगों को मार्केट में आप शाम के टाइम या सुबह के टाइम पे चले गए तो आप लोगों को हरी भाजी और कैरेट, कोतिमीर, थोड़ा डैमेज होती कि निकाल देते ना वो वाले घर को लेकर लेके कट कर देके डाल दे सकते। अगर डायरेक्ट डाल दिया तो मुश्किल नहीं है, मगर थोड़ा धो करके डाल दिया तो थोड़ा बैक्टीरिया वगैरह बोलते थोड़ा क्लीन हो जाता। ठीक है दोस्तों, चलते हैं जाके दिखाते हैं आप लोगों को कि रैबिट्स के बच्चे कितने हैं, कौन से कलर्स में हैं और कितने क्यूट दिख रहे, आप लोगों से शेयर करता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं। चलिए चलते हैं। ये हमारे खरगोश के बच्चे हैं और इसमें देखो ये ब्लैक वाला और ये एक ब्लैक एंड वाइट वाला और एक छोटा वाला कहाँ है, अरे यहाँ सूख गया। इसमें ये तीन बच्चे, वो जो मैं दिखाया था ना हैश कलर की, उसके बच्चे हैं। ये बाकी के बच्चे इसके पूरे 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरे 7-7 बच्चे बैठे थे, तो उसमें से एक बच्चा मर गया है, छोटा था वो, थोड़ा वीक था इसी वजह से वो मर गया। तो बस अब तो यही बचे हैं। ये अब मैं देखा था इससे पहले, ये चारा भी खा रहे हैं, इन चारे के लिए ढूंढ रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह इन लोग चारा भी खा रहे हैं। अब अभी इसकी माँ को छोड़ा हूँ मैं, छोड़े तो दूध भी दे दी, इसलिए इन लोग अच्छी नींद में हैं, इन खा रहा चारा। तो ये बीमारी आए बात बच गए, सो बस यही छे। ये मुर्गा रखा हूँ, ये बड़ी जात की मुर्गी है, और इसके साथ ये गलगट की मुर्गी, और ऐसी देसी के हिसाब से यहाँ जो खड़ी है, इन जस्ट 8 महीने का बच्चा है, अगर इसकी हाइट बहुत भयानक रहती। आप इसको देखें ना, इसको देखो, इसकी हाइट उसकी हाइट देखते कि आप लोगों को समझ में आता। तो चलते हैं, ये कबूतरा हैं, ये मेरे कबूतरा हैं, अंदर अंडे देके है, माँ इसकी अंडों को सेक रही है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, साथ जूम कर देते ही अब दिख जाएगा। तो उसके अंदर दो अंडे देके मादी अंडों पे है, सॉरी नर है शायद, बाहर है मादी, हाँ ये मादी बाहर है, नर अंदर है। और ये ओपन करे तो ये हमारा खरगोश का फीमेल है, रेस्ट ले रहे, अभी चारा लेके आया। बस दोस्तों ये चारा आप लोगों को बाहर दुकानों में, आप लोगों को जो तरकारी की दुकानों में मिल जाता, तो इन लोगों के लिए ठंडक के लिए थोड़ा साइड कवर, क्योंकि गरम गरम हवा आ रही ना, तो इन लोगों को थोड़ा ठंडा मिलने के लिए थोड़ा छांव वगैरह सेट कर दिया, तो इन लोगों को शाम शाम के टाइम पे ऐसा। ठीक है दोस्तों, देख लिए ना खरगोश के बच्चे, और इंशाल्लाह और भी वीडियोस अगर है निकालने के, और आप लोगों को कुछ दिखाने का है, कुछ मेरे तरफ से कुछ बात बोलना है, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस देता रहूँगा, मगर डेली तो नहीं होता दोस्तों, क्योंकि नहीं हो रहा मेरे को। एक लैंड देखा हूँ हमारे रिलेशंस में है, तो उन लोग बोले आप जाके वहाँ पे कुछ पिकाना है, कुछ फार्मिंग करना है, यानी तो पोल्ट्री लगाना है, तो आपकी मर्ज़ी, आपको कुछ भी करना है वहाँ पे आप सेफली वहाँ कर ले सकते हैं, आपको किस तरीके का भी प्रॉब्लम नहीं है बोले। तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पे पोल्ट्री और एक फार्मिंग करने की सोच रहा हूँ मैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं जो रखा हूँ जगह इससे पहले मुर्गियाँ, तो वहाँ पे वेंटिलेशन का प्रॉब्लम था, सो डॉक्टर्स के सजेशन क्या दिए बोल तो, वो जो अपन देसी मुर्गी पालते हैं ना, वो हवा में फिरे तो अच्छा रहता, वो बात भी मुझे पता था, मगर मैं क्या समझा, यहाँ थोड़ी सी जगह है वहाँ पे भेजिए, तो बस हम जाके आते ना समझा, मगर यहाँ पे जो चारा है वो चारा वो मुर्गियों को बसने हो रहा था, और वो जो मैं घर में रखा हूँ वो घर में वेंटिलेशन की प्रॉब्लम थी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं अंडों का, हो मील्स, जब मीट के लिए भी पालते हैं ना, मील्स बोल रहा हूँ सॉरी, तो जब गोश्त के लिए भी हो अंडों के लिए हो, सॉरी गोश्त के लिए भी हो अंडों के लिए भी हो, अगर बिजनेस करना है, पोल्ट्री लगाना है, पालना है, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा बिजनेस है यहाँ पे। तो क्या बोलते हैं, करते सो वाले को करे सोते काम बोल के, कौन सा भी काम है भाई, करते रहना, एक्सपीरियंस आते रहता, मगर खाली बैठना नहीं। थोड़े लोग बोलते हैं अरे क्या काम है भाई, कुछ भी नहीं है करने के लिए, मगर करने बैठे तो बहुत सारे काम है, मगर करते सो काम, छोटा भी सही, अपने को पसंद आए जैसा, छोटा भी सही, किसके सामने ऐसा नहीं रहना, अपना काम अपन कुछ बहुत बड़ा है, बस ऐसा समझ के आगे बढ़ते रहना होता है। कौन क्या समझते कौन क्या नहीं समझते वो अपन को वास्ता नहीं है भाई, दुनिया है, सो ख़त्म। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेन बात शेयर नहीं कर रहे भाई शेयर करो, और ऐसे ही बिजनेस के, यानी तो फूड के हो या तो ट्रैवल्स के हो, इंशाल्लाह कितना हो सके उतना ट्राई करूँगा, और वीडियोस ऐसे ही आते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में गुजारिश, जज़ाकअल्लाह खैर।